फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। दिस इज मी सदर, वेलकम है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। होप सो जी आप ठीक ठाक होंगे, हरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ला रही हूँ एक ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी जो आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। लेकिन बनाने से पहले आप एक छोटा सा मेरा डेमो देखें कि मैं क्या कह रही हूँ। गुड कबाब सैंडविच विदाउट वेजिटेबल, इसको बनाना इतना इजी है। आप देखें कि मैंने कैसे बनाए हैं और मेरी वीडियो आप एंड तक देखें। यहाँ पर जी मैंने शामी कबाब फ्राई कर लिए हैं और इनकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है, मैं लिंक मेंशन कर दूँगी। और यहाँ पर जी मैंने ली हैं स्लाइस, सिंपल ब्रेड है और मैं इसके साइड काट लूँगी। और इसके बाद जी हम इसे करेंगे ग्रिल। यहाँ पर जो मैंने लिया है ग्रिल पैन और मैंने पहले यहाँ पे कबाब फ्राई किए हैं, तो उसी का ये ऑयल है और मैंने इसके ऊपर रख दी है स्लाइस और हमने लो फ्लेम पे इसको करना है ग्रिल। सॉस के लिए यहाँ पर चाहिए जी हमें मायोनीज और केचप। यहाँ पर जो मैंने मायोनीज शामिल की है, अब इसमें जाएगी जी केचप। केचप आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करी है, मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टेबल, क्योंकि मैं जो सैंडविच बना रही हूँ इसमें किसी किस्म की कोई भी वेजिटेबल इस्तेमाल नहीं होंगे। और यहाँ पर जी इस तरह से मैंने बना ली है सॉस। यहाँ पर जी हमारे स्लाइस ग्रिल हो चुके हैं, अब आ रही है जी इनको तैयार करने की। यहाँ पर इस तरह से मैंने सॉस अच्छी तरह से लगा लिया। पर है जी हमारे यहाँ पर कबाब रखने, अगर आपने केचप लगानी है तो आप लगा लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन मैं यहाँ पर रख रही हूँ सिंपल, क्योंकि मैंने पहले ही केचप सॉस में यूज़ की हुई है। तो जी अब मैं दोबारा से करूँगी ग्रिल। यहाँ पर जी स्लाइस हो गई हैं ग्रिल, अब आ रही है जी इनकी कटिंग की।